हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप कौरवों में से जो भी अपने मन से ये मानता है कि हम पांडव धर्म पर हैं, यदि वो योद्धा धर्म का साथ देना चाहता है तो यही एक क्षण है कि वो इस रेखा को पार करके हम पांडवों में सम्मिलित हो सकता है। धर्म के नाम पर योद्धाओं को भीख नहीं मिलती। यदि झोली ही फैलानी है तो इस युद्ध भूमि को छोड़कर किसी मंदिर की चौखट पर जाकर बैठे। छल कपट करके दूसरों के अधिकारों को छीनने वाले डाकू दान देना क्या जाने। ये तो हम दानी राजाओं का काम है। भांजे, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं चला जाता हूं बेचारे पांडवों के साथ। महाराज युधिष्ठिर, भ्राताश्री, मैं आपके पास आ रहा हूं। 100 तेला भाई, आखिर 100 तेला ही निकला। मामाश्री, ये तो हाथ से चला गया। मेरा पुत्र होकर युयुत्सु पांडवों से जाकर मिल गया। हाँ महाराज। असंभव, असंभव, असंभव। हे क्षत्रिय कौरव योद्धाओं, इस समय मैं दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा हूं। मेरे पैरों के नीचे वो रेखा है जो धर्म से अधर्म को अलग करती है। इस रेखा के पार दोनों ओर की सेनाएं तथा उसका हर योद्धा यही मानकर युद्ध करेगा कि वही धर्म पर है। परंतु सत्य यह है कि दोनों की दोनों सेनाएं धर्म के मार्ग पर नहीं हो सकती। इसमें से एक धर्म के पक्ष पर है और एक अधर्म के मार्ग पर। परंतु आप कौरवों में से जो भी अपने मन से यह मानता है कि हम पांडव धर्म पर हैं, यदि वो योद्धा धर्म का साथ देना चाहता है तो यही एक क्षण है कि वो इस रेखा को पार करके हम पांडवों में सम्मिलित हो सकता है। धर्म के नाम पर मैं उसे आवाहन करता हूं कि वो वहीं जाए जिधर उसका मन है। भ्राताश्री, धर्म के नाम पर योद्धाओं को भीख नहीं मिलती। यदि झोली ही फैलानी है तो इस युद्ध भूमि को छोड़कर किसी मंदिर की चौखट पर जाकर बैठे। छल कपट करके दूसरों के अधिकारों को छीनने वाले डाकू दान देना क्या जाने। ये तो हम दानी राजाओं का काम है। यदि तुमने हमसे छल कपट करके इंद्रप्रस्थ हथियाने की जगह अपनी झोली फैलाकर भिक्षा में इंद्रप्रस्थ को मांगा होता तो हम हंसकर दान कर देते। देखते रहिए सपने इंद्रप्रस्थ के, हाथ में कुछ नहीं आएगा। नादानों के मुंह कहां लगते हैं। चलिए भ्राताश्री, आइए। हे
मामा श्री, लो ये तो खाली हाथ जा रहे हैं। भांजे, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं चला जाता हूँ बेचारे पांडवों के साथ। महाराज युधिष्ठिर, भ्राताश्री, मैं आपके पास आ रहा हूं। युयुत्सु, आपके पक्ष में युद्ध करूंगा। युयुत्सु, क्या आप मुझे अपने दल में स्वीकार करेंगे? युयुत्सु, तुम्हारे लिए स्थान केवल हमारे दल में नहीं है, हमारे दिल में भी है। आओ, हमारी छाती से लग जाओ। तेला भाई आखिर 100 तेला ही निकला। मामाश्री, ये तो हाथ से चला गया। अरे दासी का पुत्र एक जगह टिक भी कैसे सकता था? काश इसकी धमनियों में पिताश्री का खून ना होता। क्या कहा? मेरा पुत्र होकर युयुत्सु पांडवों से जाकर मिल गया? हाँ महाराज। असंभव, असंभव, असंभव। श्री कृष्ण तो इस युद्ध में एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, फिर वो किसी योद्धा से पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कैसे कर रहे हैं? देवी, ये केवल एक साधारण युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है, जो एक ओर 100 दुर्गुण और दूसरी ओर 5 सद्गुणों के बीच होने जा रहा है, और इन दोनों के बीच स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही धर्म के मार्गदर्शक हैं। देवी, भीष्म और आचार्य द्रोण अनुभव और ज्ञान के प्रतिबिंब हैं, जो 100 दुर्गुणों के दास बन गए हैं। 5 पांडव धर्म, बल, शौर्य, सौंदर्य तथा विवेक, इन 5 गुणों के प्रतिबिंब हैं। इन 5 गुणों के मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनना पड़ा। इसलिए इस धर्म युद्ध की शुरुआत शंख बजाकर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात है, जो ज्ञानी ही समझ सकते हैं। युद्ध आरंभ होने वाला है, शंखों की ध्वनि सुन रही है ना? कैसे नहीं सुनूंगी मंगला, केवल यही एक ध्वनि 13 वर्षों से मेरे कानों में गूंज रही है।
13 वर्षों तक हर रात मेरे सपनों में शंख बजते रहे हैं। हर रात युद्ध की घोषणा होती है। हर रात कौरवों और पांडवों में महासंग्राम होता है और दुष्ट दुशासन के सीने को अर्जुन के बाण छलनी कर देते हैं, उसके घमंडी सर को भीम की गदा टुकड़े टुकड़े कर देती है, उसकी निर्लज आंखें नोच डाली जाती हैं, भीम उसके धड़ से उन हाथों को उखाड़ फेंकता है जिनसे उसने मेरे इन बालों को छुआ था। मंगला, बस कीजिए महारानी, बस कीजिए। इस भयानक दृश्य की कल्पना से भी मेरा कलेजा कांप उठता है। परंतु मंगला, ये सपना तो मैं हर रात देखती हूं। मैं देखती हूं मेरे पांचों पति अपने अपने हाथों के चिल्लुओं में दुशासन का रक्त भरकर उसके स्पर्श से दूषित हुए मेरे बालों को धोने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, और हर्षोल्लास और व्याकुलता से मेरी नींद टूट जाती है। मेरा सपना टूट जाता है, मेरा दिल भी टूट जाता है। मैं निराश होकर आकाश की ओर देखती हूं तो समय पौ फटने का होता है और मुझे सारा आकाश दुशासन और कौरवों के रक्त से लाल दिखाई देता है, लाल। और उगने वाला सूरज ईश्वर की ओर से मुझे सांत्वना देता है कि वो दिन भी आएगा जब ये धरती भी इस आकाश की तरह दुशासन और कौरवों के रक्त से लाल हो जाएगी, लाल। और आज वो दिन आ गया है मंगला। हाँ, आज वो दिन आ गया है, अब मेरा सपना सच हो जाएगा। अब मैं दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी और मेरे बाल पवित्र हो जाएंगे। हाँ मंगला, मेरे बाल एक बार फिर पवित्र हो जाएंगे। महाराज, अब कौरवों और पांडवों के बीच महाभयंकर युद्ध होने जा रहा है। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न आक्रमण का आदेश देने वाले हैं। आक्रमण! Thank you.
भीमसेन की भयंकर गर्जना सुनकर कौरवों की सेना ही नहीं बल्कि हाथी घोड़े तक डरकर पीछे हट गए हैं। सब लोग छोड़ो मार, मारो। हे सारथी, भीम ने केवल अपनी खनगरज से ही हमारी सेना में घबराहट फैला दी है। यदि वो इसी तरह चिंघारता रहा तो कौरव सेना में भगदड़ मच जाएगी, इसलिए उसकी गरज का गला घोटना ही होगा। चलो सारथी, हमारा रथ भीम के रथ के सामने ले चलो। चलो मत भीम, चीखने चिल्लाने से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध तो अपने शौर्य से, अपने बाहुबल से जीता जाता है। तुम्हें अपने बाहुबल पर बड़ा गुमान है ना? परंतु जो पुरुष किसी स्त्री पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वो बलवान होकर भी नपुंसक होता है। भीम, देखा सच सुनकर कैसे तिलमिला उठे हो तुम। याद है ना द्रौपदी को किस तरह बलपूर्वक उठा ले गए थे तुम? आज मैं अपनी उसी पत्नी के अपमान का बदला लूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही मेरे सामने आ गए, आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। सावधान भीम! सेन के भीषण प्रहार को महारथी जयद्रथ रोकने में असफल रहे और वो अचेत हो गए। उनके सारथी ने तत्काल रणभूमि से रथ हटा दिया। भीम के इस आतंक से युवराज दुर्योधन व्याकुल हो गए हैं।